गुड मॉर्निंग एवरीवन लिपुन आपण मानको लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुचे। आज होची मार्च मास 12 तारीख शनिवार। तो आज सकाळ रो कोन टॉप न्यूज जस रहिची चालंतु देखि नबा। ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरतिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु, कारण जहां भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहिबा आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे। तो चालंतु आजकार टॉप न्यूज जस कोन रहिची देखि नबा, लेट्स स्टार्ट। प्रथम अपडेट रही राज्य में वर्तमान पौर निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ हो सारे। भोटर लिस्ट प्रस्तुत करने दायित्व हो राज्य निर्वाचन कमिशन को, किंतु भोटर तालिका त्रुटि शून्य हो पारा ना। जड़े व्यक्ति दुईट स्थान में भोट दे पारे ना, एवं यह एक दंडनीय अपराध। दुईट स्थान में भोट दे नकली भोटर को तुरंत भोटर तालिकार बाद दि जाऊ। गोलक महापात्र सूचना देते। दुई नंबर अपडेट रोची भीषण खरारे सिजुची ओडिशा। आठटी जिले में वर्तमान दिनर तापमात्रा 36 डिग्री सेल्सियस उपरे रही। सर्वोच्च दिनर तापमात्रा बलांगीर ठारे 36.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होता बेले भुवनेश्वर 35.6 डिग्री सेल्सियस एवं कटक 35.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि। आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में पाग सुखिला रहइब। टाण खरा हेले ही तापमात्रा बढ़िबनी, स्थिर रहइब। विशेष गरम कि थंडा अनुभूत हेबो नाही बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तीन नंबर अपडेट रहउछि आसंता एप्रिल मास 26 रु आरंभ हेब CBSE टर्म 2 परीक्षा। एथर गोटे सिफ्ट रे परीक्षा हेब। उभय दशम एवं द्वादश श्रेणीर द्वितीय टर्म 2 परीक्षा अनुष्ठित हेब। एने CBSE पक्षर विस्तृत परीक्षा सूची प्रकाश पाई। दिन 10:30 रु परीक्षा आरंभ कराजिबाकु निष्पत्ति निया जाइछि। स्कूल दीर्घ दिन धरी बंद थिबारु परीक्षा रे अधिक दिन व्यवधान रखा जाइछि। चारि नंबर अपडेट रहउछि सेना हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होइछि। जम्मू काश्मीर गुरेज सेक्टर तुलाइल अंचल रे भारतीय सेनार हेलिकॉप्टर चीता क्रैश होइछि। हेलीपैड उपरे लैंडिंग बेले नियंत्रण हराई क्रैश होइछि। काश्मीर घाटी रे तुषारपात रे बेले एही दुर्घटना घटितबा सूचना मिलिछि, जहाद्वारा हेलिकॉप्टर टी बरफावृत अंचल रे खसी पड़िछि। तेबे सेथिरे थिबा पायलट एवं सह पायलट सुरक्षित अछन्ति बुली कहा जाउछि। दुर्घटना पूर्वरु पारासूट रे सेमाने ओल्लाई पड़िथिबा सूचना मिलिछि, तेबे एनै कोनोसि स्पष्ट होइ नाहि। पांच नंबर अपडेट रहउछि समस्त दशम श्रेणी छात्र छात्रिंक पई बड़ खबर। चलित वर्ष कोविड रो स्थिति को देखि ऑफलाइन लेब मैट्रिक परीक्षा। तेबे आसंता एप्रिल मास रे परीक्षा हेबा को नै धार्य करा जाइथिबा बेले एप्रिल मास 29 रु परीक्षा आरंभ होई मे मास 6 तारिख जाय चालू रहइबो एही परीक्षा। एवं या सहित तीनोटी पद्धति रे हेबो मूल्य निर्धारण। ए संपर्क रे मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र गतकाली प्रेस मीटिंग करी सूचना देइचंती। तेबे राज्य रे वर्तमान कोरोना महामारी रो प्रादुर्भाव कमी थिबारु ऑफलाइन ले परीक्षा पई निष्पत्ति नै राज्य सरकार। एप्रिल शेष सप्ताह में समेटिव आसेसमेंट 2 परीक्षा अनुष्ठित हेबो। तेबे ई परीक्षा सबु छात्र छात्रिंक पई बाध्यतामूलक हेबो। या सहित यथासंभव निज निज स्कूल ले मैट्रिक परीक्षा हेबो। निज स्कूल ले परीक्षा होइन पारिले निकटवर्ती स्कूल ले परीक्षा देबे छात्र छात्री। परीक्षा परिचालना पई अन्य स्कूल शिक्षक शिक्षयत्री नियुक्त हेबे बुली कहिचंती सुरेश महापात्र। 6 नंबर अपडेट रहउछि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि सहित कथा हेले मुख्यमंत्री। गतकाली अपराह्न रे हिंजिली और शेरगढ़ ब्लॉक रो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि मानक सहित मुख्यमंत्री तथा विजु जनता दल सभापति नवीन पटनायक आलोचना करिचंती। सेमानंकु अभिनंदन जणाइबा सहित दल मतर ऊर्धरे रही लोकंकर सेवा करिबा पई परामर्श वर्तमान निर्वाचन शेष होइछि, तेणु आपण माने वर्तमान समस्त काम करंतु। दल मतर ऊपर को उठी काम कले आम सबुबले लोकंकर भरोसा एवं आशीर्वाद पाइपरिबा बोली से कहिचंती। विकास सबुबेले आमर फोकस होई रही आसीची। विकास पई आमर कठिन परिश्रम को जनसाधारण सबुबेले स्वीकृति देइचंती। सारा राज्य रे पंचायत निर्वाचन रे एक ऐतिहासिक राय देइचंती, सेथिपई जनसाधारण को निकट रे आमे ऋणी बुली मुख्यमंत्री कहिचंती। 7 नंबर अपडेट रहउछि राजस्थान रॉयल आईपीएल लो 15तम सीजन ले श्रीलंकार शक्तिशाली बोलर लाथिस मालिंगा को कोच भाबे नियुक्ति करिछि। मालिंगा प्रथम थर पई ए लीग रे कोच भाबे नजर आसिबे। एहा पूर्वरु तांकु मुंबई इंडियंस तरफ रु खेलुथिबार देखिया पई मिलिथिला। 8 नंबर अपडेट रहउछि पंजाब निर्वाचन रे कांग्रेस रो शोचनीय पराजय परे मुख्यमंत्री पदरु इस्तफा देइचंती चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब निर्वाचन फलाफल सामना को आसिबा परे शुक्रवार चन्नी कैबिनेट बैठक डाकी
କହିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହିତ ସେ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ସବୁକୁ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ। 9 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆୟକର ବିଭାଗର ଆଲର୍ଟ, କରଦାତାଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦିଅ, ନଚେତ୍ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 10 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ odishapolice.gov.in କୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ASI 2021 ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 15-17 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ odishapolice.gov.in କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। 11 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ନୂଆବର୍ଷରେ ବଦଳୁଛି PF ର ପୁରୁଣା ନିୟମ। 1 ଏପ୍ରିଲ 2022 ଲାଗୁ ହେବ PF ର ନୂଆ ନିୟମ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 1.23 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସ କାରବାରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ହାଇ ଇନକମ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ସୁଧରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିନଥାଏ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଇନକମ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯିବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PF ଯୋଗଦାନରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ଉପରେ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏହାର ପୁରା ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର PF ଖାତାରେ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2021-22 ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପଞ୍ଜାବରେ ଆପ୍ ସରକାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି, 16 ତାରିଖରେ ଶପଥ ନେବେ ଭଗବନ୍ତ ମାନ। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଚୀନରେ ପୁଣି ଫେରୁଛି କରୋନା ମହାମାରୀ, ସଂକ୍ରମଣରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଲକଡାଉନ୍ ନିୟମ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। 90 ଲକ୍ଷ ଜନବସତି ଏହି ସହରରେ ପୁଣି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଲକଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି, ଚୀନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡରାଉଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୟାଦାଗିରି, ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ସହାୟିକା ଏବଂ ସେବିକା ପଦରେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି recruity.kar.nic.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ 17 ପଦ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 18-45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ LTDକୁ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମନା କଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ RBI ପେଟିଏମ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କମ୍ପାନୀ ନିଜର IT ସିଷ୍ଟମର ବ୍ୟାପକତାକୁ ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏକ IT ଅଡିଟ୍ ଫାର୍ମ ଗଠନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1949 ଧାରା 35 ଅନୁଯାୟୀ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଡିଟ୍ ଫାର୍ମ ଗଠନ କରିବ, ଅଡିଟ୍ସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଯୋଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ RBIର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଧୀନରେ ହେବ ବୋଲି RBI କହିଛି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏଣିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ 2 ଗୁଣା ଜରିମାନା ଦେବେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜରିମାନାର 2 ଗୁଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ଏହାର ନବୀକରଣକୁ ନିଜେ ଯାଇ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ତଥା ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗହଳି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 5T ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭାବରେ ଫର୍ମ
वन ए रे मेडिकल सर्टिफिकेट ग्रहण करने को निष्पत्ति नियाजाइछि। सारोटी पोर्टाल आवश्यक सुविधा मध्य जोगाई दिया जाइछि। 18 नंबर अपडेट रहुछि न्यायपालिकार अधिक महिला निजुक्ति सहित आईन शिक्षारे झील मानक संरक्षण दाबी कले प्रधान विचारपति। 19 नंबर अपडेट रहुछि चलित बर्ष मैट्रिक परीक्षा करा एप्रिल मास 29 रु मे मास 6 पर्यंत मैट्रिक परीक्षा अनुष्ठित हेबो। एहार मूल्यायन पद्धति मध्य निर्धारित करा जाइछि। पिला माने निज स्कूल ले परीक्षा देबे किंतु परीक्षा परिचालना अन्य स्कूल शिक्षकक द्वारा करा जिवो। चलित मैट्रिक परीक्षा मूल्यायन तीनोटी पद्धति रे करा जिवो। दुईटी पद्धति हेउछि विकल्प मूल्यायन पद्धति। प्रथम पद्धति हेउछि समेटिव असेसमेंट वन ओ इंटरनल असेसमेंट रो वोल्टेज को दुई गुण करी परीक्षा फल निर्धारित करा जिवो। चलित थर सब पिला समेटिव असेसमेंट टू परीक्षा देबा पई बाध्य। तेनु द्वितीय पद्धति हेउछि समेटिव असेसमेंट टू रो वेटेज को दुई गुणा करा जाय परीक्षा फल निर्धारण करा जिवो। तृतीय पद्धति हेउछि इंटरनल असेसमेंट 20% समेटिव असेसमेंट 1 को 30% समेटिव असेसमेंट 2 को 50% वेटेज दिया जाय निर्धारित करा जिवो। तीनोटी पद्धति मध्यरु जेउ पद्धति रे छात्र छात्री अधिक नंबर रखिथिबे ताकु छात्र छात्री मानकर चूड़ांत फल बोली धरा जिवो बोली सूचना रहुछि। 20 नंबर अपडेट रहुछि सुनादर को नै कि ओडिसा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 48,200 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 52,580 टंका थिबा लक्ष्य करा जायछि। 21 नंबर अपडेट रहुछि जदि सब किछि ठीक रुए तबे भारतर कृषि आगामी 2 वर्ष रे डीजल मुक्त होइ जिवो। केन्द्र शक्ति मंत्री आरके सिंह एने सूचना दैछंती। से कहिछंती जे 2024 सुद्धा देश डीजल बदल रे कृषि क्षेत्र रे अक्षय शक्तिर 100% व्यवहार लक्ष्य हासिल करिवो जहाद्वारा भारतर कृषि क्षेत्र डीजेल मुक्त हो जिवो। एहा सहित मंत्री कहिछंती जे निर्धारित लक्ष्य हासिल करिबा पई राज्यगुड़ी को अनेक योजना गुड़ी को विकसित करिबा उचित। 22 नंबर अपडेट रहुछि सरीगला निर्वाचन मार्च मास 31 रु बंद हो जिवो मागणा राशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रे वर्तमान पर्यंत मार्च मास 31 तारीख पर्यंत मागणा राशन मिलिबो। तापर मागणा राशन मिलिबनि बोली सूचना रहुछि। 23 नंबर अपडेट रहुछि भुवनेश्वर एम्स रे प्रतिष्ठा हेबो बहु प्रतीक्षित किडनी प्रतिरोपण केन्द्र। सुविधा पाइबे ओडिशा समेत पड़ोशी राज्यर रोगी। एही केन्द्र प्रतिष्ठा हेले ओडिशा समेत पड़ोशी छत्तीसगढ़ पश्चिमबंग झारखंड रो बहु रोगी उपकृत हेबे। गत जुलाई रे एम्स रे किडनी प्रतिरोपण केन्द्र प्रतिष्ठा हेबो बोली घोषणा करा जाइथिला। 24 नंबर अपडेट रहुछि आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य रे सुखिला पाग रहिबो। टाण खरा हेले भी बढ़िबनी तापमात्रा। दिन रे आकाश निर्मल रहिबा चुकु खरा टाण रहिबो। सर्वाधिक तापमात्रा 36 डिग्री सर्वनिम्न तापमात्रा 22 डिग्री रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। 25 नंबर अपडेट रहुछि स्कूल पिलांक पई एक विशेष कार्यक्रम जुव विज्ञान कार्यक्रम रो आयोजन करुछि इसरो। एही कार्यक्रम रे छात्र छात्री खास करी ग्रामांचलर स्टूडेंट मानंकु महाकाश टेक्नोलॉजी उपरे ज्ञान प्रदान करा जिवो। पिला मानंकु महाकाश विज्ञान उपरे सचेतनता करिबाय कार्यक्रम रो मुख्य लक्ष्य। इसरो एही कार्यक्रम रो घोषणा करी कहिछि जे सारा देश रे मार्च मास 2022 सुद्धा द्वादश श्रेणी रे पढ़ुतबा 150 छात्र छात्री को चयन करिबाय उचित कार्यक्रम रो उद्देश्य। 26 नंबर अपडेट रहुछि विजय परे कैबिनेट बैठक डाकिले जोगी। राज्यपाल को इस्तफा दे सरकार गठन प्रक्रिया पई प्रस्तुत हेउतबा सूचना रहिछि। तो जहाँ के जगह टॉप न्यूज थिला ता सहित जो माने निज मोबाइल माध्यम रे पैसा रोजगार करिया पई चाहुचंती सबटारु बहुत बड़ी एप्लीकेशन रहिछि ग्रो एप्लीकेशन जहार लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन ले अछि। समस्त जल्दी जल्दी डाउनलोड करके पैसा कमांतु जोटी साइन अप बोनस 100 टंका प्रति रेफर 100 टंका जहाँ को आपण बैंक को ट्रांसफर करिपारिबे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय जगन्नाथ।